मतलब क्या है, व्हेन वन प्रोसेस इज परफॉर्मिंग द आईओ रिलेटेड एक्टिविटी, सेकेंड प्रोसेस इज परफॉर्मिंग द सीपीयू रिलेटेड एक्टिविटी, और मीन्स सम टाइम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज असाइन टू वन प्रोसेस एंड सम टाइम व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज बिजी विद अनदर प्रोसेस देन अनदर प्रोसेस असाइनिंग टुवर्ड द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. So, because of this concept, the multitasking is also possible with CPU utilization. So, to maximize the CPU utilization with multi-programming and multitasking, scheduling is the solution for that. So, scheduling कैसे होता है? देखते हैं next. In this diagram, you can see that the total execution of process is divided into two parts: CPU burst and IO burst. सीपीयू बर्स्ट का मतलब क्या रहता है कि जब आप एक प्रोग्राम लिखते हो तो उस प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, सम इंस्ट्रक्शंस आर ओनली सीपीयू रिलेटेड, परफॉर्मिंग द ओनली सीपीयू रिलेटेड एक्टिविटी, एंड सम इंस्ट्रक्शंस आर देयर विच आर परफॉर्मिंग ओनली आईओ रिलेटेड एक्टिविटी. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लोड स्टोर एड स्टोर रीड फ्रॉम फाइल, तो इसका मतलब क्या रहता है, लोड स्टोर का मतलब ये रहता है कि एक पहले एक वेरिएबल को लोड किया, फिर उस वेरिएबल में एड किया और जो भी आंसर आएगा वो उस फाइल में रीड किया, रीड फ्रॉम द फाइल. तो स्कैनएफ जैसे करते हैं ना, स्कैनएफ प्रिंटएफ सेम वे. देन दिस इज कॉल्ड एज सीपीयू बर्स्ट. एंड समटाइम्स जैसे स्कैनएफ आता है कि एंटर एंटर द टू नंबर्स, एंटर द टू नंबर्स, जैसे इस तरह से कुछ मैसेज होते हैं, या फिर स्कैनएफ में हम रीड फ्रॉम फाइल, तो ऐसे जो मैसेजेस आते हैं वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के रिलेटेड मैसेजेस रहते. तो उस टाइम तक जब तक यूजर कोई वैल्यू एंटर नहीं करेगा तब तक आगे इनपुट आउटपुट की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं जाएगी. जैसे आपको एडिशन ऑफ टू नंबर, जब तक दो नंबर इंसर्ट ही नहीं होंगे तब तक आगे वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसीलिए वेट फॉर आयो. अगेन बैक टू द मेन प्रोग्राम, जैसे हम करते हैं आई प्लस प्लस करते या फिर कुछ फाइल में राइट करते पुश करते, तो ये वाले जो इंस्ट्रक्शन है अगेन दिस इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू सीपीयू रिलेटेड इंस्ट्रक्शन. तो जैसे ही प्रोग्राम में कुछ जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो सिर्फ सीपीयू के रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, और प्रोग्राम में जो रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन है वो सिर्फ आईओ के रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. इट्स मीन्स दैट वेन वन प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड द टोटल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट, सीपीयू बर्स्ट एंड आईओ बर्स्ट. ओके, सीपीयू बर्स्ट एंड आयो बस्ट, तो इसे कहते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस. नेक्स्ट नेक्स्ट, अभी देखो ये वाला पार्ट. अभी आज है ना, आज मैं आपको सिर्फ ज्यादा पार्ट नहीं है, आज आपको सिर्फ बेसिक बताना है मुझे. अभी बेसिक में क्या क्या है, कल हम एक्चुअल प्रोग्राम किस तरह से शेड्यूलिंग एल्गोरिदम सॉल्व करते हैं, मतलब आपको इसके एग्जांपल्स आते हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के, कि टू फाइंड आउट द टर्न अराउंड टाइम, टू फाइंड आउट द वेटिंग टाइम. तो ये वाला कैलकुलेट करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज है और उसके कुछ प्रॉपर प्रोसीजर है, तो मैं कल आपको नोटबुक के ऊपर किस तरह से सॉल्व करते हैं, किस तरह से उसका एग्जीक्यूशन मतलब उसको ड्रॉ करते हैं, वो सारा आपको डिटेल में बताऊंगी. तो आज जो बेसिक कंसेप्ट जो आपको पता होने चाहिए एग्जांपल सॉल्व करने से पहले, वो सारे कंसेप्ट हम रिकॉल करेंगे. तो इसमें देखो, अभी सिलेक्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स आर देयर, प्री इमिटिव एल्गोरिदम इज देयर एंड नॉन प्री इमिटिव एल्गोरिदम इज देयर. नॉन प्रीमिटिव एल्गोरिदम का मतलब क्या रहता है कि एक बार किसी प्रोसेस ने अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया, जैसे आप ओएस का टर्न देते हो और ओएस का आठ वाला पाच एक मिनट आले तेच म्हणलो कुठे गेले तुम्ही. हां का हां मामा गेले त्याच्या मागे, मी लगे नाही गेला, मला फोन आणि केत माइक बंद कर काय म्हणे जुजुले दर लाग म्हण लागेल तरी क्लॅट टाक. हेलो, बाकी लोगों ने माइक बंद रखा है अपना. हां का लाव तो थोड़ा सा बोल. हां ते हेलो, मिली डायरेक्ट. हेलो, यस मैम, कंटिन्यू कर.
हाँ हाँ, तो इसका मतलब क्या रहता है, नॉन प्रीमिटिव एल्गोरिदम एंड प्रीइमिटिव एल्गोरिदम। नॉन प्रीइमिटिव एल्गोरिदम का मतलब ये रहता है कि जब आप किसी भी प्रोसेस को ओएस का टर्न असाइन कर देते हो, तो जब तक उसका पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम का टर्न किसी दूसरे प्रोसेस को असाइन नहीं होने देती। मतलब अभी ये देखो मल्टीटास्किंग वाला जो कंसेप्ट है या फिर यूनिटास्किंग का कंसेप्ट है, इसमें क्या होता है कि जब आपको ये पता है कि हर प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए ओएस लगता है, तो ओएस का मतलब क्या रहता है कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते जाता है ना वन बाय वन, तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट होता है, तो एक बार किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट हो गया तो जब तक उसका पूरा एग्जीक्यूशन होके वो फिनिश नहीं होता है तब तक वो प्रोसेस बीच में नहीं रुकता है। तो बीच में नहीं रुकना, इस कंसेप्ट को कहा जाता है नॉन प्रीइमिटिव, नॉन प्रीमिटिव। नॉन प्रीमिटिव मतलब नॉन स्टॉपेबल, एंड प्रीइमिटिव का मतलब क्या है कि जो प्रोसेस थोड़ी देर तक एग्जीक्यूशन हो रहा है, फिर थोड़ी देर तक रुक रहा है, किसी दूसरे प्रोसेस को टर्न दे रहा है, फिर से दूसरे प्रोसेस रुक रहा है, तीसरे प्रोसेस को टर्न दे रहा है, फिर से थर्ड प्रोसेस रुक रहा है, फर्स्ट प्रोसेस को टर्न दे रहा है, तो जब किसी भी प्रोसेस का पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो हर थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद उस रुकते जा रहा है और उसका एग्जीक्यूशन स्टॉप करके किसी दूसरे प्रोसेस को ओएस का टर्न अगर देते जाता है, तो इस कंसेप्ट को प्रीइमिटिव एल्गोरिदम कहा जाता है। अभी मैंने जो आपको नॉन प्रीमिटिव और प्रीमिटिव का डिफरेंस बताया वो समझा या नहीं? जस्ट रिप्लाई यस और नो। हेलो, जस्ट रिप्लाई मी प्रीमिटिव एंड नॉन प्रीमिटिव का कंसेप्ट मैसेज में रिप्लाई करो आप। हेलो, फिर से एक और बार रिपीट करती हूँ, ये वाला कंसेप्ट आपको सारे एल्गोरिदम सॉल्व करते समय ये बार बार आपको लगने वाले हैं। तो प्रीमिटिव एल्गोरिदम का मतलब ये रहता है और नॉन प्रीमिटिव का एल्गोरिदम का मतलब ये रहता है कि नॉन प्रीमिटिव मीन्स नॉन स्टॉपेबल when one process starts its execution in it और एक बार किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया then the process not stop in between the execution, वो कभी भी एग्जीक्यूशन के बीच में नहीं रुकता है until it finishes its execution, जब तक वो अपना खुद का एग्जीक्यूशन कम्प्लीट नहीं करता है तब तक वो नहीं रुकता है। मतलब जैसे ही प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ तो कम्प्लीट होने के बाद ही वो अगर रुकेगा तो ऐसे वाले एल्गोरिदम को नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिदम कहा जाता है। और अगर किसी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में बीच बीच में रुक के हर प्रोसेस हर थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद प्रोसेस रुक रहा है, किसी दूसरे प्रोसेस को ओएस का टर्न असाइन हो रहा है, अगेन ओएस के टर्न सेकेंड वाले प्रोसेस को असाइन किया जा रहा है, तो बीच बीच में अगर प्रोसेस का एग्जीक्यूशन बीच में स्टॉप हो रहा है, फिर से स्टार्ट हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाले कंसेप्ट को प्रिमिटिव एल्गोरिदम कहा जाता है। तो ये वाला कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हुआ होगा तो ही आप कल से एल्गोरिदम सॉल्व कर सकते हो। हाँ, तो यहाँ पे वही लिखा है कि सीपीयू शेड्यूलिंग डिसीजन में टेक प्लेस व्हेन अ प्रोसेस व्हिच इज फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग, रनिंग टू रेडी एंड वेटिंग टू रेडी एंड देन टर्मिनेट। तो आपको ये पता है कि सबसे पहले प्रोग्राम क्या होता है, रेडी से रनिंग में जाता है, और रनिंग में जाने के बाद प्रोग्राम रनिंग में बीच में वेटिंग स्टेट में आता है, वेटिंग स्टेट से आने के बाद फिर से रेडी में डाल के उसको एग्जीक्यूशन उसका कंप्लीट करते। तो यहाँ पे ना वो जो प्रोसेस रुका हुआ जो प्रोसेस था वही प्रोसेस से एग्जीक्यूशन आगे स्टार्ट होता है, दूसरा प्रोसेस वहाँ बीच में नहीं लिया जाता है। यहाँ पे पूरा जो है ना बीच में वेटिंग रेडी रनिंग ये सारा एक ही प्रोसेस का चल रहा है। और प्रीमिटिव में क्या रहा है कि प्रीमिटिव में उसको शेयर कर रहे हैं, ओएस को शेयर कर रहे हैं उसका टाइम, और कर्नल मोड में हम शेयरिंग के बेसिस पे टाइम शेयर कर रहे हैं और हर प्रोसेस को थोड़ी थोड़ी देर के लिए टाइम असाइन कर रहे हैं, और जैसे ही बीच में वो टाइम असाइन करने के बाद जैसे उसका टर्न कंप्लीट हो जाता है तो वो वाला टाइम नेक्स्ट वाले प्रोसेस को असाइन करते हैं। तो ये वाला रहता है प्रीमिटिव एल्गोरिदम। नेक्स्ट, मैंने आपको शेड्यूलर डिस्पैचर का वर्ड बताया था, शेड्यूलर मूव्स मॉड्यूल गिव्स कंट्रोल ऑफ द सीपीयू। शेड्यूलर मूव क्या करता है, यहाँ पे आपको मैंने एक डायग्राम अगर याद आएगा प्रोसेस स्टेट का तो वहाँ पे शेड्यूलर डिस्पैचर लिखा था। तो वो क्या करता है कि दोज आर द रनिंग रेडी प्रोसेसेस, वो सारे रेडी प्रोसेसेस को रेडी क्यू में से वन बाय वन प्रोसेस को लेके रनिंग में डालता है। तो शेड्यूलर मॉड्यूल गिव्स कंट्रोल ऑफ द सीपीयू टू द प्रोसेसेस, मतलब रेडी वाले प्रोसेस को रनिंग में डालना, इसका मतलब क्या है, उन सभी को सीपीयू का कंट्रोल असाइन करना। और इसके बीच में जो आता है वो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का रोल रहता है। मैंने आपको शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मिडल टर्म शेड्यूलर और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर पढ़ाया था। तो जब प्रोसेस रेडी से रेडी प्रोसेस
जिसको रनिंग में डालते हैं उनको शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कहते हैं, और जो प्रोसेसेस रनिंग वाले प्रोसेसेस को वेटिंग में डालते हैं और वेटिंग से फिर से रेडी में डालते हैं वो मीडियम टर्म शेड्यूलर होते हैं, और जो प्रोसेसेस न्यू से रेडी में जाते हैं नए वाले प्रोसेस क्रिएट होते जाते हैं और रेडी होते जाते हैं वो सारे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स होते हैं। तो शेड्यूलर डिस्पैचर, डिस्पैचर का मतलब क्या है, जो मेन रोल है कि एक एक प्रोसेस को वो रेडी वाले क्यू से लेना और रनिंग में डालना, ये वाला जो रोल परफॉर्म करता है, जो सॉफ्टवेयर ये वाला रोल परफॉर्म करता है उसको डिस्पैचर कहा जाता है, डिस्पैचर, शेड्यूलर डिस्पैचर। ओके, देन इसमें शेड्यूलर डिस्पैचर का जो कंसेप्ट है उसको शॉर्ट टर्म शेड्यूलर भी कहा जाता है। वहां पे स्विचिंग होता है, स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट, स्विचिंग टू यूजर मोड, और इसका मतलब क्या है कि बीच बीच में जो भी नया प्रोग्राम आते जाता है उस हिसाब से वो स्विचिंग करते जाता है। एंड डिस्पैच लेटेंसी का मतलब क्या है, द टाइम इट टेक्स फॉर द डिस्पैचर टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट अनदर प्रोसेस। लेटेंसी का मतलब क्या है, बीच में वो जो टाइमिंग लगता है ना एक प्रोसेस को रुका के, या फिर एक प्रोसेस से कंट्रोल ओएस का कंट्रोल लेके दूसरे प्रोसेस को असाइन करने का, या फिर उसका पीसीबी लोड होता है पहले और इसके पीसीबी को हम स्टॉप करते, तो ये वाला जो टाइमिंग है जितना टाइम बीच में जितना टाइम कुछ भी वर्किंग नहीं हो पा रहा है सिर्फ वहां पे असाइनमेंट होते जा रहा है तो उस वाले टाइमिंग को डिस्पैच लेटेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट, दीज आर द शेड्यूलिंग क्राइटेरिया, ये वाले क्राइटेरिया आपको 4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, आईएमपी है। तो शेड्यूलिंग क्राइटेरिया में सबसे पहले आता है सीपीयू यूटिलाइजेशन, मैंने अभी आपको बताया कि जितना कीप द सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल, जितना हो सके सीपीयू को बिजी रखना है, 100% सीपीयू यूटिलाइज करना है। मतलब बीच बीच में जो सीपीयू आइडल रहता है ना, कि एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होने के बाद जब तक उसके पास आईओ एक्टिविटी कर रहा है तब तक सीपीयू आइडल रहता है, तो उतने टाइम भी उसको आइडल नहीं रहने देना है, दूसरा प्रोसेस उसको असाइन करते जाना है। मैक्सिमाइज द सीपीयू यूटिलाइजेशन। थ्रूपुट का मतलब क्या रहता है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन पर यूनिट टाइम। जितने प्रोसेस आप जैसे बोलते हो कि 1 सेकेंड में इतने प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, 2 सेकेंड्स में, तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है, तो नंबर ऑफ प्रोसेसेस जितने काउंट करते हैं उसे थ्रूपुट कहते हैं। टर्न अराउंड टाइम का मतलब ये रहता है द टाइम फॉर द टाइम फ्रॉम सबमिशन ऑफ अ प्रोसेस टू द एक, देखो जितना टाइम एक प्रोसेस को सबमिट करने से लेके उसका पूरा एग्जीक्यूशन होने तक लगता है, अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर प्रोसेस। एक प्रोसेस को कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए जितना टाइम लगता है ना, मतलब उसको सबमिट करके वेटिंग में कुछ टाइम तक वो वेट करता है जब तक ओएस का टर्न नहीं मिलता है, जब ओएस का टर्न मिलता है तो उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, तो ये स्टार्ट से लेके एंड तक जितना टाइम एक प्रोसेस को लगता है उसे टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। और वेटिंग टाइम का मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ टाइम प्रोसेस हैज बीन वेटिंग इन द रेडी क्यू, कितने टाइम तक उसको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिलता है उतने टाइम तक वो वेट करता है। तो जितने टाइम तक एक प्रोसेस वेट करेगा, तो जितने टाइम तक एक प्रोसेस अगर वेट करता है, तो वेटिंग का मतलब क्या रहता है कि जब तक उसको प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिलता है, तो जितना टाइम उसने रेडी क्यू में स्पेंड किया है, मतलब वो इसका टर्न नहीं मिला इसलिए वो रनिंग में नहीं जा पा रहा है, तो जितना टाइम वो रेडी में स्पेंड करता है उस टाइम को वेटिंग टाइम कहा जाता है। एंड रिस्पॉन्स टाइम, जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद उसको फर्स्ट रिस्पॉन्स जब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से मिलता है, फर्स्ट रिस्पॉन्स जब उसका प्रोड्यूस होता है, तो उस टाइम को रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फ्रॉम व्हेन अ रिक्वेस्ट वाज सबमिटेड अंटिल द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस, जब तक फर्स्ट कैरेक्टर आउटपुट का प्रिंट नहीं होता है तब तक, जैसे रिस्पॉन्स आपका एंटर द 2 नंबर्स, तो उसको पहला रिस्पॉन्स जब एंटर करोगे तो जैसे ही आपको रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट होता है उस टाइम को रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। नेक्स्ट, तो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम मेनली फोकस करता है मैक्सिमाइज द सीपीयू यूटिलाइजेशन, मैक्सिमाइज द थ्रूपुट, थ्रूपुट मींस नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम, मिनिमम टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताया कि सबमिट करने से लेके प्रोसेस का कंप्लीट एग्जीक्यूशन होने तक, तो स्टार्ट से लेके फिनिश होने तक जितना टाइम लगता है उसको टर्न अराउंड टाइम कहते हैं, और ऑब्वियसली जितना कम टाइम लगेगा उतना वो एल्गोरिदम अच्छा रहता है। तो मिनिमम टर्न अराउंड टाइम होना चाहिए, मिनिमम वेटिंग टाइम होना चाहिए और मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए, ये जहां पे मिनिमम आएगा वो वाला एल्गोरिदम बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट,
एल्गोरिदम हम कल देखेंगे, कल के लेक्चर पे। अभी वो लिंक ओपन करो एक मिनट। यस, यहाँ पे और थोड़ा सा डिटेल में दिया है। मैं फिर थोड़ा सा बीच बीच में वॉइस ब्रेक हो रहा था, आवाज नहीं आ रही थी, तो मैं फिर से एक और बार बता रही हूँ। सीपीयू शेड्यूलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग विच प्रोसेस विल ओन सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन व्हाइल अनदर प्रोसेस इज ऑन होल्ड। तो शेड्यूलिंग का मतलब क्या है कि डिसाइड करना कि अभी ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन सा प्रोसेस देना है। तो डिटरमाइनिंग विच प्रोसेस विल ओन सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन मतलब सीपीयू किसको किस प्रोसेस को देना है, ये जो डिसाइड करता है वो कौन डिसाइड करता है, शेड्यूलर। तो ये वाला जो प्रोसेस है कि डिसाइड करके डिटरमाइन करके या फिर प्रॉपर एक एल्गोरिदम या फिलोसॉफी अप्लाई करके एक एक प्रोसेस शेड्यूलिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जीक्यूशन के लिए डालना और सीपीयू असाइन करना, ये वाला जो पार्ट होता है उसे कहते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग मतलब अभी सिंपल एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, आप सभी को रोल नंबर है, तो जब भी आपको अगर बोला कि आपको रोल नंबर वाइज अटेंडेंस देना है या फिर रोल नंबर वाइज फाइल चेक करना है, तो आपको एक शेड्यूलिंग किया है, एक प्रॉपर आपको एक वे दिया है। इस वे में आप क्या करोगे, रोल नंबर वाइज मतलब फर्स्ट वन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसका रोल नंबर पहले आएगा वो पहले जाएगा। तो मतलब प्रॉपर आपको एक असाइनमेंट का एक वे दिया है कि जिससे जिस एल्गोरिदम के इस क्राइटेरिया के हिसाब से आप वन बाय वन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसका रोल नंबर पहले आएगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा या फिर सबसे पहले उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है। तो ये वाले जो डिटरमाइन करते हैं कि हम प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, उनका नंबर ऑफ वेज कैसे रहेंगे, तो ये वाले जो डिटरमाइनिंग जो प्रोसेस है उसे कहते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। एंड द मेन टास्क ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग इज टू मेक श्योर दैट व्हेनेवर द सीपीयू आइडल द ओएस एटलीस्ट सिलेक्ट वन ऑफ द प्रोसेस अवेलेबल इन द रेडी क्यू फॉर एग्जीक्यूशन। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल अल्ट डिलीट करके प्रोसेस में अगर आप चेक करोगे तो एक प्रोसेस नल प्रोसेस नाम का एक प्रोसेस होता है। जब ओएस के पास कोई भी प्रोसेस नहीं होता है ना, तब मतलब एक भी प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट नहीं करते हो, तो उस टाइम पे नल प्रोसेस एग्जीक्यूट होते रहता है। नेक्स्ट नीचे एंड आई आल्सो टोल्ड यू देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, प्री इमिटिव एंड नॉन प्रीमिटिव एल्गोरिदम। इन प्री इमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम द टास्क आर मोस्टली असाइंड विद देयर प्रायोरिटीज एंड सम टाइम इट इज इम्पोर्टेंट टू रन अ टास्क विद अ हायर प्रायोरिटी बिफोर अनदर लोअर प्रायोरिटी टास्क। इवन इफ द लोअर प्रायोरिटी टास्क इज स्टिल रनिंग, द लोअर प्रायोरिटी टास्क होल्ड फॉर सम टाइम एंड रिज्यूम व्हेन द हायर प्रायोरिटी टास्क फिनिश इट्स एग्जीक्यूशन। तो प्री इमिटिव एल्गोरिदम सिर्फ प्रायोरिटी के बारे में नहीं है, प्रीमिटिव एल्गोरिदम राउंड रॉबिन में भी आता है, प्रीमिटिव एल्गोरिदम शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में भी आता है। एक एग्जांपल दिया है प्रायोरिटी का कि बीच में अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी का अगर कोई प्रोसेस आया और लोअर प्रायोरिटी का अगर कोई प्रोसेस रन हो रहा है, तो सबसे पहले लोअर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस रुक जाता है, उसका एग्जीक्यूशन बीच में स्टॉप हो जाता है, एंड हायर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को ओएस का टर्न असाइन किया जाता है। जब हायर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, देन लोअर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस बैक उसका जहां से एग्जीक्यूशन रुका था वहां से उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। तो लोअर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस यहाँ पे बीच में उसका एग्जीक्यूशन रुका और फिर से स्टार्ट हुआ, तो ये वाले कंसेप्ट को कहा जाता है प्री इमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। और नॉन प्रीमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का मतलब क्या रहता है, इन दिस टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग द सीपीयू हैज बीन एलोकेटेड टू अ स्पेसिफिक प्रोसेस एंड द प्रोसेस दैट कीप द सीपीयू बिजी will release the CPU either by switching context or terminating. अभी यहाँ पे किसी specific process को आप CPU assign कर रहे हो और उसको CPU तब तक busy रखते हो जब तक उसका पूरा execution complete नहीं होता या फिर terminate मतलब complete नहीं होता है तब तक। तो जब तक switching context जब तक नहीं आता है, मतलब interrupt या system call आता है तब हमें रुकना पड़ता है ना, तो जब तक अगर कोई उसको नहीं रुका रहा है, मतलब इंटरप्ट या बिकॉज ऑफ कॉन्टेक्स्टिंग,
देखो यहाँ पे है ना दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होता है, नॉन प्रिमिटिव में दूसरा प्रोसेस का एग्जीक्यूशन नहीं होता है, बीच में सिर्फ दो प्रॉपर डिस्टर्बेंस जैसे डिस्टर्बेंस मतलब इंटरप्ट की वजह से वो रुक सकता है या फिर सिस्टम कॉल की वजह से रुक सकता है, लेकिन दूसरे प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के लिए नहीं रुकता है। तो नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम का मतलब क्या है कि सीपीयू इज एलोकेटेड टू अ स्पेसिफिक प्रोसेस ओनली व्हेन द प्रोसेस कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन और after the execution then and then the turn is assigned to another process and this concept is known as non primitive scheduling. Next, when scheduling is primitive or non primitive, to primitive or non primitive wale jo algorithm hai, a process switches from running to waiting state. Jab process running se waiting mein jata hai, स्पेसिफिक प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू रेडी वेटिंग टू रेडी। तो ये वाला जो अभी मैंने आपको बताया कि ये वाले जो चार पॉइंट्स है ये नॉन प्रिमिटिव के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन प्रीमिटिव के लिए ये वाला जो 1-4 कंडीशन है ओनली कंडीशन 1 and 4 अप्लाई फॉर द नॉन प्रिमिटिव एंड ऑल द 4 कंडीशन आर अप्लाई फॉर प्रीमिटिव। तो जहाँ पे बीच बीच में प्रोसेस अगर रुकता है तो रुकता है मतलब क्या है, रनिंग से वेटिंग में गया रुक गया, फिर से वेटिंग से रेडी में गया फिर से रुक गया, फिर वेटिंग से रनिंग से रेडी में गया फिर से रुक गया और उसके बाद एग्जीक्यूशन होने के बाद रुक रहा है, तो बीच बीच में प्रोग्राम रुकेगा तो उसको प्रीमिटिव ही कहेंगे। और नॉन प्रीमिटिव का मतलब क्या है, एक बार शुरू होने के बाद फिनिश होने के बाद ही रुकता है। तो इसलिए कंडीशन नंबर 1 रनिंग टू वेटिंग एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन, आफ्टर द एग्जीक्यूशन इज टर्मिनेटेड। तो जब प्रोसेस रनिंग से वेटिंग में जा रहा है आयो एक्टिविटी होगा तो, और जब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तो देन एंड देन द प्रोसेस इज नॉन प्रिमिटिव एंड दीज आर द शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। नीचे देखो दीज आर द टर्मिनोलॉजी और द सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज आल्सो देयर। तो टर्मिनोलॉजी में आता है एग्जीक्यूशन टाइम, पहले ऊपर का पार्ट देखते हैं हम शेड्यूलिंग टर्मिनोलॉजीज। तो एग्जीक्यूशन टाइम का मतलब क्या है, जिस द टाइम इज रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेस टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन इट इज आल्सो कॉल्ड एज रनिंग टाइम। जब एक प्रोसेस को उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लगता है वो रनिंग टाइम है, उसको टर्न अराउंड टाइम भी बोल सकते हो आप। एंड व्हेन अ प्रोसेस एंटर इनटू रेडी स्टेट, जब एक प्रोसेस प्रिपेयर हो जाता है रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, तो जब उसका आने का टाइम होता है उस टाइम को अराइवल टाइम कहते हैं, और जब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने का टाइम है उसको फिनिश टाइम कहते हैं। एंड मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स विच कैन प्रेजेंट इन अ मेमोरी एट द सेम टाइम एंड इट इज द टाइम ऑफ प्रोग्राम विदाउट एनी काइंड ऑफ यूजर इंटरेक्शन। जॉब का मतलब क्या रहता है, जॉब आपको पता है प्रोसेसेस यूजर जो यूजर इंटरेक्शन करता है मतलब इनपुट आउटपुट देता है, प्रोसेस इट इज अ रेफरेंस दैट इज यूज बाय द बोथ जॉब एंड यूजर, प्रोसेस वर्ड यूज करते हैं कभी जॉब वर्ड यूज करते हैं, और सीपीयू आईओ बस्ट। मैंने अभी आपको बताया कि जब एक जॉब का प्रोसेस का एक टास्क का एग्जीक्यूशन चलता है तो सम एक्टिविटीज आर सीपीयू रिलेटेड एक्टिविटी एंड सम एक्टिविटीज आर आईओ रिलेटेड एक्टिविटी। सो सीपीयू बर्स्ट इज देयर एंड आईओ बर्स्ट इज देयर। सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया, वी आल्सो मिनिमाइज द टर्न अराउंड टाइम वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। नीचे नीचे लो उसके अभी शेड्यूलिंग क्राइटेरिया में सबसे पहले शेड्यूलिंग क्राइटेरिया रहता है सीपीयू यूटिलाइजेशन, टू मैक्सिमाइज द सीपीयू, टू कीप द सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल। इट कैन रेंज फ्रॉम 0 to 100%, जितना हो सके सीपीयू को 100% यूटिलाइज करना है, 100% यूटिलाइज करना है, 100% नहीं होता है लेकिन 99% तो भी उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। थ्रूपुट मतलब नंबर ऑफ प्रोसेसेस पर यूनिट टाइम जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो ज्यादा एग्जीक्यूट होने चाहिए। वेटिंग टाइम कम होना चाहिए, मतलब कोई प्रोसेस कब का रेडी है फॉर एग्जीक्यूशन लेकिन उसको ओएस का टर्न ही नहीं मिल रहा है, तो अगर ओएस का टर्न नहीं मिलता है तो उतने टाइम तक वो वेटिंग ही स्टेट में रहता है, तो उतना उसको वेटिंग नहीं आना चाहिए, ज्यादा वेटिंग टाइम नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्स भी फास्ट आना चाहिए, इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम इन विच जब उसको फर्स्ट कैरेक्टर प्रोड्यूस होता है या रिस्पांस मिलता है तो वो भी कम टाइम होना चाहिए, और टर्न अराउंड टाइम इट इज द टाइम फ्रॉम सबमिशन टू द टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। इसको आप वेटिंग टाइम प्लस एग्जीक्यूशन टाइम का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो।
नेक्स्ट डिस्पैचर बताया मैंने आपको, नेक्स्ट नीचे आओ। ये चार अल्गोरिदम है, देखो आपके चार नहीं टोटल सिक्स दिए आपको यहाँ पे। तो ये जो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट को अलग अलग नाम दिया है, लेवल क्यू शेड्यूलिंग, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये वाले जो सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है ये मैं कल से स्टार्ट करने वाली हूँ। और कल के लेक्चर में जब ये शेड्यूलिंग एल्गोरिदम स्टार्ट करूंगी तो उसके साथ में आपको उसको सॉल्व करने का एग्जांपल, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उसको चार्ट में ड्रॉ करेंगे, कैसे उसका वेटिंग टाइम टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करेंगे, वो सारा आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो कल का लेक्चर हो सके तो सभी ने अटेंड करना है, जहाँ तक हो सके आप मैसेज डाल दो ग्रुप पे कि कल एग्जांपल्स देने वाली हूँ, तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने अटेंड करना है। बिकॉज ये वाले एग्जांपल्स पीपीटी देख के आप टॉपिक रिपीट कर सकते हो, लेकिन एग्जांपल्स आपको नहीं समझ में आएंगे, ठीक है। तो आज से जो बेसिक कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए थे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम स्टार्ट करने से पहले, वो मैं फिर से एक और बार बताती हूँ। शेड्यूलिंग क्या होता है? इट इज डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वेज फॉर असाइनमेंट ऑफ अ प्रोसेस टू द सीपीयू। देन शेड्यूलिंग क्राइटेरिया देखे, थ्रूपुट, टर्न अराउंड, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम। एंड उसके बाद देर आर टू शेड्यूलिंग टर्मिनोलॉजीज आर देयर, प्रीमिटिव एंड नॉन प्रीमिटिव। वो भी आपको कल समझ में आएगा कि प्रीमिटिव नॉन प्रीमिटिव को बताया था। और उसके चार अल्गोरिदम ही है बेसिक, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एंड राउंड रॉबिन। तो ये वाले चार अल्गोरिदम का फर्स्ट अल्गोरिदम हम कल स्टार्ट करेंगे। सभी को आज का लेक्चर समझ में आया कि अभी हेलो? यस मैम, एक क्यूरी थी। यस मैम, ते टॉपिक चेंज के लिए था मी ते बघूंगा एक मिनट। हाँ मैं चेक करूंगी शीट मध्ये। हाँ नवीन टॉपिक ऐड के लिए तुम्ही तेरी चेक करा लागू। ठीक है, मैं चेक कर लूंगी प्रोजेक्ट की आपकी एक बार शीट, और जिन लोगों ने चेंज किया है मैं उनके सामने अभी प्रोजेक्ट के गाइड का नाम डालूंगी। If the project guide is ready for your current topic, then it is okay. And if the project guide wants to change your topic, they also have the authority. They can also change your topic. वो change भी कर सकते हैं। आपने जो submit किया है, वो first priority उसी को रहेगा। लेकिन उन्होंने अगर बोला कि ये वाले topic, अगर किसी ने बोला, maximum कोई नहीं बोलेगा, अगर बोला तो आप लोगों को उनके हिसाब से topic को change भी कर सकते हैं। ये आपको प्रॉपरली गाइड भी करेंगे बाद में, ठीक है। और कोई आज के जितना पढ़ा है वो समझा क्या? अभी तो मैसेज करो, वॉइस ब्रेक हो रहा था तो इतने सारे मैसेज आ रहे थे। आज समझा क्या? अभी बाकी वाला उसके बाद समझ में आया, आवाज आ रहा था पूरे टाइम? यस मैम, क्लियर था आवाज। ठीक है हाँ, कल भी देखते हैं, अगर गूगल में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो जूम मीट से मैं पेपर पे सॉल्व करके बताने वाली हूँ। कल आपके पास नोटबुक और पेन रेडी रखना है, आपको सॉल्व करना है मेरे साथ एग्जांपल्स, ठीक है। तो अभी लेक्चर स्टॉप करते हैं और अटेंडेंस लिंक फिर मैं इस पे डालती हूँ, ग्रुप पे डालती हूँ, ठीक है। ओके ठीक है, थैंक यू।